अस्सलामुअलैकुम, और कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में देसी जायका विदेशी तड़का में। तो चलिए आज एक नई रेसिपी बनाते हैं, कढ़ाई पनीर। ये रेसिपी बनाने के लिए हमको किन चीज़ों की ज़रूरत है इस पे एक नज़र डालते हैं। हमें लगेगा पनीर, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, तेल, धनिया पत्ती, पानी, नमक स्वाद अनुसार, मस्का, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़े काजू, ज़ीरा पाउडर, कसूरी मेथी, भुनी हुई कसूरी मेथी, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर। और खड़े मसालों में हमें लगेगा एक दालचीनी का टुकड़ा, तीन इलायची, हरी इलायची, एक बड़ी इलायची, 6 से 8 काली मिरी, 3 लौंग, 1 बादियान फूल। तो चलो इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक सॉस पैन ले लेंगे और एक तवा ले लेंगे। ये 250 ग्राम्स पनीर है, मैंने इसे छोटे छोटे क्यूब कर लिए हैं। मैं इसे हल्का सा गोल्डन कर लूँगी। आप चाहे तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन हमारे घर में डायरेक्ट कच्चा नहीं पसंद करते, ग्रेवी में हल्का गोल्डन ब्राउन करके मैं यूज़ करती हूँ पनीर को। इस तरह करने से इसका जो पानी है पनीर का वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा हमारा पनीर। और इस सॉस पैन में हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, हमने सफोला ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल। हल्का सा तेल गरम हो जाएगा तब हम इसमें हमारे खड़े मसाले डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 दालचीनी लिया है, 3 लौंग, 1 बादियान फूल। पहले मैंने 3 इलायची लिया था, फिर 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 6 से 8 काली मिरी के दाने और थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरा हमारा थोड़ा सा सिज़ल करने लगेगा तब हम इसमें हमारा प्याज ऐड कर देंगे। मैंने ये करीब 2 मीडियम साइज की ली है प्याज, ली को मैंने स्लाइसर में स्लाइस कर लिया है। आप चाहे तो चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। प्याज को हम हल्का सा गोल्डन करेंगे, करीब 1 मिनट हम इसको प्याज को पका लेंगे। साथ ही साथ हम हमारे पनीर को भी देखते रहेंगे। पनीर को पलटाने के समय आप प्लीज़ ध्यान रखिए, ये अभी तक एक साइड बराबर से हुए नहीं है।
पनीर हमें मीडियम फ्लेम में रखना है और बारी बारी इसे पलटाते रहना है ताकि वो नीचे से चिपक नहीं जाए और इसका पानी इवनली सूख जाए। हमारी प्याज हल्की सी ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें हमारे टमाटर ऐड कर देंगे। ये मैंने करीब मीडियम साइज़ के 3 टमाटर लिए हैं। और इसी पॉइंट पे हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ताकि हमारे जो टमाटर है वो जल्दी से गल जाए। ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, टेबल स्पून यानी कि बड़ा चम्मच। बाटी को हम अच्छे से पोंछ लेंगे, ज़रा भी हमें वेस्ट नहीं करना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट को हम 10 सेकेंड के लिए पका लेंगे, साथ ही साथ हम हमारे पनीर पे भी ध्यान देंगे। आप देख सकते हैं मेरे पनीर में हल्का गोल्डन रंग आने लगा है। जिंजर गार्लिक पेस्ट को प्याज और टमाटर के साथ भूनते भूनते हमें करीब 10 से 12 सेकेंड हो गए हैं। अब हम इसमें हमारा काजू ऐड कर देंगे, ये मैंने 8 से 10 काजू लिए हैं। आप अगर काजू नहीं लेना चाहते हैं तो आप मगज भी ले सकते हैं, काजू, मगज, खसखस, जो चाहे आप ले सकते हैं। इन चीज़ों को हम ग्रेवी में इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा ग्रेवी क्वांटिटी में ज़्यादा बने। इसी वक्त हम थोड़ा सा भुना हुआ कसूरी मेथी, ये मैंने पहले ही ड्राई रोस्ट कर लिया था, इसको 1 से 1.5 पिंच हम लोग डाल लेंगे, बाकी का हम बाद में यूज़ करेंगे। हम इसे अब मीडियम गैस पे 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे हमारे पनीर का क्या है, क्या हुआ है। हमारे पनीर दोनों साइड से अच्छे खासे भुन चुके हैं, अब हम गैस बंद कर देंगे और पनीर को निकाल लेंगे प्लेट में। जब तक ये हमारा मसाला पक रहा है तब तक हम साइड में हमारी शिमला मिर्च को हल्का सा टॉस कर लेंगे। यहाँ हम इसमें 1/2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहे तो इस पॉइंट पे प्याज भी स्क्वायर इस तरह काट के आप ले सकते हैं। मेरे घर में प्याज पसंद नहीं करते तो मैं सिर्फ शिमला मिर्च लूँगी, वो हल्का सा टॉस्ट कर लूँगी एक करीब 10 सेकेंड। ये मैंने 1/2 शिमला मिर्च ली हूँ। चलिए हम ये देखते हैं हमारा ग्रेवी।
हमारी प्याज और टमाटर ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसे ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सचर ग्राइंडर में फाइनली पेस्ट बना लेंगे, पीस लेंगे इसे। अभी हमारा मसाला जो है वो ठंडा हो चुका है और हमने उसे, आप देख सकते हैं, मिक्सर में फाइन पेस्ट भी कर लिए है। हमने अपने पनीर को भी अच्छे से गोल्डन कर लिया है और ये हमारी जो शिमला मिर्च है इसको भी हमने ऑयल में अच्छे से टॉस कर लिया, गैस ऑन कर दिया हमने। अब इसमें हम अब करीब 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। हमारे जो मेजरमेंट्स होते हैं वो इन्हीं स्पून से होते हैं। आपको ये स्पून सेट ऑनलाइन मिल जाएगा या फिर मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब ये ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा हम हमारे जो बाकी के मसाले हैं वो डाल लेंगे और जलने से पहले हमें उसे फटाफट बना लेना है, जलने नहीं देना है। सबसे पहले हम डालेंगे हमारी 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून थोड़ा सा जीरा करीब 2 चुटकी जीरा पाउडर भी हम डालेंगे 1/2 टीस्पून और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें अच्छी सी सौंधी सौंधी स्मेल आने लगी है। अब जो हमारा ये पेस्ट है जो टमाटर प्याज का था, अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे। हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, 1 ml वाटर लिए थे हम उसी को यूज करेंगे। और ये मिक्सर की बाटी को अच्छे से क्लीन करके हम ये पानी इसमें डाल लेंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारे ड्राई मसालों के साथ और हमें हाथ को चलाते रहना है, रोकना नहीं है। अगर हमने हाथ रोक दिए तो ये नीचे से पकड़ लेगा क्योंकि इसमें हमने काजू ऐड किए। इस पॉइंट पे आप अगर चाहे तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। अगर आप चाहे तो ऐड करें, ना चाहे तो कोई बात नहीं, फूड रेड कलर आप 1 चुटकी ऐड कर लें अगर आप चाहें। इसे हम करीब 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लेंगे। तो ये मसाले को धीमी आंच पे मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दी थी पकने के लिए। चलिए देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा मसाला जो है वो पूरा ऑलमोस्ट सूख चुका है, इसके अंदर जो पानी था वो पूरा सूख चुका है। इस पॉइंट पे अब हम इसमें हमारे पनीर ऐड कर लेंगे जो हमने गोल्डन किए थे। आप चाहे तो कच्चा भी डाल सकते हैं जैसे मैंने पहले बताई थी,
बिना फ्राई किए या बिना रोस्ट किए। पर आप अगर कच्चा डालते हैं तो आप ज़रा ध्यान रखिएगा, हल्के हाथ से इसे मिक्स करिएगा। जैसे मैंने इसे हल्का गोल्डन कर लिया था तो ये नहीं टूटेगा, लेकिन अगर आप कच्चा डालते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप चम्मच धीरे धीरे चलाएं, हल्के हाथ से आप इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करके मैं 5 मिनट के लिए और रख दूंगी इसे गैस पे, ताकि मेरे पनीर में भी ग्रेवी का सारा फ्लेवर चढ़ जाए। मैंने फिर अपनी ग्रेवी को 5 मिनट के लिए छोड़ी थी धीमी आंच पर। अब मैं इसमें जो बाकी का हमने कसूरी मेथी रखे थे, रोस्टेड कसूरी मेथी भून लिए थे जो हमने, वो डाल दूंगी। और ये शिमला मिर्च भी मैं जो टॉस्ट करके रखी थी ये भी मैं डाल लूंगी। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको अगर रनिंग ग्रेवी पसंद है, पतली ग्रेवी पसंद है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी इस टाइम पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने जो 150 ml पानी लिए थे वो हमने इसमें डालकर इसको अच्छे से सुखा लिए। अच्छे से ये मेरा जो ग्रेवी है वो भून भी चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम सेकेंड टाइम सॉल्ट डाल रहे हैं। फर्स्ट टाइम जब हम लोग ने प्याज और टमाटर को जब भून रहे थे उस टाइम पे डाले थे, अभी सेकेंड टाइम डाल रहे। मैंने टेस्ट किया, मुझे कम लगा। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। आप चाहें तो जब आप प्याज और टमाटर भून रहे थे उस टाइम पे आप हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप तीखा पसंद ज़्यादा करते हैं तो। आप देख सकते हैं कि मेरी ग्रेवी ऑलमोस्ट थिक हो चुकी है, और अब शिमला मिर्च और पनीर डालने के बाद मैं इसे ज़्यादा देर और नहीं रखूँगी गैस पे। मैं इसे इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी। और हमने जो बटर लिए थे वो ऐड कर दूंगी। आप अगर चाहे तो इसमें 1 tablespoon फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, या घर की जमी हुई मलाई भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें।